बिलाईगढ़ विधानसभा में जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया गया, जहां दो उम्मीदवार द्वारा फॉर्म भरे गए थे। गौरतलब है कि जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में अध्यक्ष का पद एसटी और महिला के लिए आरक्षित था, जिसमें दो उम्मीदवार श्रीमती भूमिका कथकार व शिव कृष्ण कुमार नागेश रहे। बिलाईगढ़ जनपद क्षेत्र में कुल 25 सदस्य थे, जिसमें से 16 वोट श्रीमती भूमिका कथकार को मिला तो वहीं 9 वोट शिव कृष्ण कुमार नागेश को मिले। इस प्रकार जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के नए अध्यक्ष रूप में श्रीमती भूमिका कथकार को 9 वोटों की बढ़त से विजय हासिल हुई। आपको बता दें कि इस चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही कांग्रेस पार्टी से समर्पित सदस्य थे। खास बात यह देखने को मिली कि इस चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। भाजपा ने अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाते हुए कोई प्रयास नहीं किया, जो कि राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाइट बाइट बिलाईगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई है और ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है। 25 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार कांग्रेस की एक तरफा नगरी निकाय के बाद जनपद और त्रिस्तरीय पंचायत में कब्जा हुई है, मैं तो पूरे आला कमान को धन्यवाद देता हूं और यहां के जीत के प्रत्याशी श्रीमती भूमिका कथाकार को और उपाध्यक्ष भाई राजा अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में कांग्रेस की साथ दिया और कांग्रेस को इसलिए यहाँ जिताया क्योंकि 25 साल तक बिलाईगढ़ पिछड़ी रही है। विकास के नाम पर जनपद में हमारे माताएँ और बहनें वृद्धा पेंशन के, शौचालय के पैसा, आवास के पैसा के लिए भटकते थे। सरकार होने के बावजूद भी हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे, इस बात की अंदेशा लोगों को हुई और आज लोगों ने विश्वास जताया कि अब लोगों की काम सहूलियत होगी। गांव से लेकर शहर तक कांग्रेस की सरकार हुई है, ये निश्चित ही है। जीत जनता की जीत है, क्षेत्र की रहवासियों की जीत है। बिलाईगढ़ की माटी को मैं नमन करता हूँ, यहाँ क्षेत्रवासियों को नमन करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ, आप सबको साधुवाद करता हूँ। गिरौदपुरी की धरती बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करता हूँ, सोना खान की धरती शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करता हूँ और क्षेत्रवासियों को नमन करता हूँ और आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। बिलाईगढ़ के विकास अब कोई नहीं रोक पाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।